Hello student, good morning. Standard 8, subject English, unit 4, my point of view. पहले मैंने आपको हार्ड वर्ड लिखाए थे, आज हम ये लेसन करेंगे. और ये लेसन है UFO के बारे में. UFO means unidentified flying object. इसके बारे में सारा लेसन है जो आप पढ़ना और ये क्वेश्चन आंसर भी करने का है. वॉट इज़ द UFOs क्या है? तो UFOs मीन्स अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट. वॉट इज़ द न्यूज़पेपर रिपोर्ट अबाउट UFO साइट इन इंडिया? न्यूज़पेपर में UFO की कितनी साइट है, वो क्या रिपोर्ट आया था? तो ओवर 100 UFO साइट इन इंडिया रिपोर्ट ऑफ न्यूज़पेपर. ये क्या है? न्यूज़पेपर का ये रिपोर्ट है कि 100 से ओवर इसकी साइट है इंडिया में. वॉट इज अदर द डिस्क्रिप्शन यूएसए के लिए इसके सिवाय और कौन सा डिस्क्रिप्शन यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए सबसे पहले ल्यूमिनस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, एक्सटर्नल एंड येलोइश स्फीयर, दिस थ्री डिस्क्रिप्शन आर यूज फॉर UFOs. इसके लिए एक नहीं लेकिन थ्री अदर डिस्क्रिप्शन यूज किए जाते हैं. फिर आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा टेररिस्ट इज. इसका मीनिंग क्या है वो आपको हमको बताने का है. द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा टेररिस्ट मीन्स नॉट बिलोंगिंग टू द अर्थ. इसका मीनिंग है कि अर्थ से ये बिलोंग नहीं करता है लेकिन कोई दूसरा ही ऑब्जेक्ट है. तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा. आपको ये अपनी होमवर्क करने का है और अपने इंग्लिश की नोटबुक में भी लिखने का है. आगे हम ये लेसन अगले टाइम में लेंगे. थैंक यू.